हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस क्लास अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन सो गाइस आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही खास होने वाला है उन स्टूडेंट के लिए जो एसएससी जेई के मेंस की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल सो गाइस अ वेरी गुड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन सो आज का जो हमारा सेशन है वो होने वाला है मेन्स के क्वेश्चन के ऊपर इस सेशन में मैं आप लोगों को एस एस के प्रीवियस ईयर जो मेन्स के क्वेश्चन आए हैं वो सॉल्व कराने वाला हूँ एस एस सी जे एससी प्रीवियसेंट तो होने तो आपको बहुत मिलने वाला है बट इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूं और अपनी प्रोफाइल के बारे में बता देता हूँ अपूर् मित्तल है जैसे कि आप देख पा रहे और यह मेरी अन अकेडमी की प्रोफाइल अभी आपको बताऊंगा उससे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं DTU का का गाइस मेरी जो जो हुई हुई थी वो हुई थी 2011. तो बी -टेक मेरा जो है, वो वो इन तो मेरा है है बैच और तब से ही मैं स्टूडेंट को पढ़ाने लग गया था आठ नौ साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है और पांच साल से मैं इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ तो साइट पे डेली डे दे टू तो डे बेसिस पे मैं सर्विंग आरसीसी स्टील इन सब को मतलब इन सारे सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिकल नॉलेज इंप्लीमेंट करता रहता हूँ जैसे आरसीसी स्ट्रक्चर मॉनिटर करता हूँ क्या वो कोडल प्रोविजन के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं कास्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ठीक है बिल्डिंग मेटेल का डेली यूसेज आता है कि के टेस्ट करने होते हैं सर्वेइंग करना होता है साइट पे ठीक है तो ये सारे सब्जेक्ट में पिछले बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ इंडिया की हर मेजर कोचिंग में पढ़ा चुका हूँ नौ साल हो गए यार पढ़ाते पढ़ाते तो आप इमेजिन करो इंडिया की हर मेजर कोचिंग में हर मेजर सिटी में मैंने पढ़ाया और बहुत सारे रैंकर्स बहुत सारे रैंकर्स को मैंने गाइड किया है ताकि वो भी अपनी मंजिल में पहुंच सके तो आप मेरे लेक्चर्स रेगुलरली देखा करिए यार ताकि आप लोग भी अपनी मंजिल में आपके जो भी एम है आप जल्दी -जल्दी तो लेक्चर्स है YouTube पे सबसे ज्यादा देखे, देखे जाने वाले लेक्चर्स में से हैं स्टील के लेक्चर्स जो मैं लेता हूं वो अपडेटेड कोड के साथ मैं लेता हूं आरसीसी के जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं कोडल प्रोविजन में उसको देखते हुए बिल्कुल क्योंकि साइट पे यार डिजाइन करना होता है जब तक मुझे खुद अपडेटेड कोड के बारे में नहीं पता होगा तो मैं कैसे डिजाइन करूंगा ठीक है तो ये सारी चीजें जब साइट पे मैं देखता हूं चीजें सीखता हूं तो उन्हें लेक्चर्स में इंप्लीमेंट करता हूं तो इससे स्टूडेंट्स का बहुत भला होता है यार और मैं प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ जब चीजें बताता हूं तो उन्हें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है बात करते हैं यार ये मेरी अन की प्रोफाइल है तो अन अकेडमी में जब से मैं जुड़ा हूं स्टूडेंट ने बहुत अप्रिशिएट किया है ये जो वॉच टाइम है ऑलमोस्ट वन मिलियन तक पहुंच चुका है वन मिलियन ऑफ वॉच टाइम आप इमेजिन करो दस लाख मिनट तक मेरे कंटेंट को स्टूडेंट्स ने अप्रिशिएट किया है देखा है तो कुछ तो अच्छा दिया होगा ना यार कंटेंट ठीक है से ज्यादा स्टूडेंट मुझे फॉलो फॉलो कर कर रहे रहे हैं हैं एक सेशन में स्टूडेंट तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं यार कि कितने सारे स्टूडेंट्स का भला किया है कितने सारे स्टूडेंट्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली अन अकेडमी से मेरे थ्रू उन्होंने चीजें लर्न करी हैं ठीक है थिके? तो और वन सिक्सटी स्टूडेंट से ज्यादा स्टूडेंट ने डेडिकेशन दिया है मुझे अनअकेडमी प्लेटफॉर्म पे आपको अगर मेरी प्रोफाइल सर्च करनी है आप गूगल पे अपूर्व मित्तल सर्च कर लीजिए आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी वहां पर आप मुझे फॉलो फॉलो कर लीजिए इसलिए बोल रहा हूँ फॉलो कर लीजिए क्योंकि जब भी मैं कोई क्लास लेता हूं तो आपको आधा घंटा पहले नो, नोटिफिकेशन आ जाएगा मैसेज के थ्रू पंद्रह मिनट पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैं किस टॉपिक पे कितने ड्यूरेशन की क्लास लेने वाला हूं तो इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा कोई टॉपिक ऐसा जो आपको नहीं आता है तो आपको नोटिफिकेशन आया आप तुरंत मेरी क्लास में आ गए और आपने वो लेक्चर अपना देख के अपना टॉपिक इंप्रूव कर लिया तो ये बेनिफिट है गाइज फॉलो करने के ठीक है सो तो गाइज ये मेरा अचीवमेंट है तो अन अकेडमी में मुझे बेस्ट मैराथन का और बेस्ट एजुकेटर का अवार्ड मिला था जुलाई मंथ में तो ये बहुत ही मतलब दिल के करीब है मेरे ये अवार्ड रीज़न क्या है क्योंकि यार ये अवार्ड इसलिए करीब है क्योंकि अन अकेडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं और उनके बीच में अगर आप किसी भी एक महीने में भी अगर आपको कोई अवार्ड मिलता है तो वो सच में काबिल तारीफ तो होता ही है और ये जो अवार्ड है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। आप मुझे अनएकेडमी सर्वे आप तो आपको क्या होगा मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट की समरी बुक है अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे सारी समरी बुक बनाई थी वो सब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है जाके देखिए एक बार टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए सारा स्टडी मटेरियल सारे क्वेश्चन बैंक वो सब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल डाले हुए हैं और जो भी मेरी क्लासेस होती हैं उनके लिंक भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल अपलोड कर देता हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट की कोई भी क्लास मिस ना हो ठीक है बात समझ में आ गई तो ये आप देखो सी ऑल पे जब क्लिक करेंगे मेरी प्रोफाइल में जाके अन अकेडमी पेज पे जब जाके सी ऑल पे क्लिक करेंगे आपको मेरी स्पेशल क्लास मिल जाएंगी ये कुछ मैंने स्पेशल क्लास है पूरा सर्वेइंग मैंने स्पेशल क्लास में पढ़ाया है जाके एक बार देखिए अगर आपकी सर्वेइंगी है पूरी सर्वेइंग आप कवर कर सकते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स चाहे वो गेट के लिए हो चाहे वो ई के लिए हो पूरी मैथमेटिक्स मैंने कवर कराई है स्पेशल क्लास में जाके देखो यार फ्री ऑफ कॉस्ट है जाके देखिए अपनी मैथ्स इंप्रूव करिए अपनी सर्वेइंग इंप्रूव करिए ठीक है बहुत सारी स्पेशल क्लास लेता रहता हूं बट ये दो सब्जेक्ट मैंने पूरी थ्योरी और प्लस क्वेश्चन दोनों कवर कराए जाके एक बार देखिएगा यूट्यूब पे जो स्टूडेंट ई और जेई की तैयारी कर रहे हैं ठीक है आप कोई भी एजे का एग्जाम देने जाएंगे ये बाईस लेक्चर बाईस घंटे की वीडियो जरूर देख लीजिएगा इसमें मैंने पिछले पंद्रह साल के आरसीसी के जितने भी कोडल प्रोविजन है जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे कवर कराए हैं चालीस हजार से ज्यादा स्टूडेंट देख चुके हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ चालीस हजार से ज्यादा स्टूडेंट देख चुके हैं इस वीडियो को जाके देखो यार इतना बेहतरीन कंटेंट दिया है पूरी आरसीसी आपके टिप्स पे आ जाएगी और अगर आप थ्योरी कवर करना चाहते हैं तो अपूर्वित आरसी डालेंगे ये अठारह लेक्चर आपको मिल जाएंगे जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन डब्लू एस एम एल एस एम कवर कराया जो कि आरसीसी का बेसिक्स है डिजाइन क्राइटेरिया पूरे बताए हैं जाके आप देखिए आपको बहुत फायदा मिलेगा और आपका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ठीक है और ये ट्वेंटी थ्री आर्स की ये वीडियो है जिसमें मैंने एस एस सी के पिछले पंद्रह साल के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में करा दिए जाके देखिए स्टेट ए जेई में तो बीएमसी एम सी और बी एम और आर सी सी का बहुत वेटेज है ऑलमोस्ट थर्टी परसेंट का वेटेज है इन दो सब्जेक्ट का जाके देखो आपके कॉन्सेप्ट इंप्रूव हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट के लिए मैंने मेहनत की चालीस हजार स्टूडेंट से ज्यादा का फायदा हुआ इन वीडियो से तो अनअकेडमी ने ये जब अप्रिशिएशन देखा तो मुझे बेस्ट मैराथन का अवार्ड दिया था कि सारे जितने भी एजुकेटर मैराथन लेते हैं उसमें ये बेस्ट मैराथन थी क्योंकि चालीस हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स का फायदा हुआ है तेरह हजार से ज्यादा स्टूडेंट ने फीडबैक फॉर्म भरा था कि ये वीडियो यूट्यूब में पहली ऐसी वीडियो जो इतनी देर की है एक ही वीडियो में सारा कुछ सोल्यूशन उन्हें मिल जाता है ठीक है तो भाई अब मैं बात करता हूं अगर आप में से कोई अन सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है या yeah, मेरी गाइडेंस में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ये कोड यूज करके एस एम लाइव करके आप अन अकेडमी ले सकते हैं इसके बहुत मल्टीपल बेनिफिट है इस कोड को यह कोड नहीं है यार ये एक है। इमोशन क्यों है यार क्योंकि देखो आप मेरे कहने से या मेरा कोड यूज करके एक रुपए का भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं आपका वो एक रुपए वर्थ करवाऊ और मैं कैसे वर्थ करवाता हूं गई जो भी स्टूडेंट मेरा कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं पहली बात तो यह उनकी टेन फीस रिड्यूस हो जाती है दूसरी बात अकेडमी के जितने भी एजुकेटर हैं सबके लेक्चर ओपन हो जाएंगे के एजुकेटर हो चाहे ओपन हो हैं अब बात करते हैं सर यही कोड क्यों ये कोड इसलिए कि यार एक तो मुझे नौ साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और इन नौ साल के टीचिंग एक्सपीरियंस मैंने इतना कुछ सीखा है कि स्टूडेंट को साल भर कैसे गाइड करें कि वो गेट में चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें वो महारत हासिल कर ले उसमें वो सिलेक्शन पाले

ऑलमोस्ट एट्टी स्टूडेंट मेरा कोड यूज करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुके हैं और मैं क्या कर रहा हूँ उन सबको टारगेट दे रहा हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स स्टूडेंट है उसका आरसीसी वीक है मैंने उसे एक तारीख से लेकर पंद्रह तारीख तक का टारगेट दे दिया कि इस पंद्रह तारीख में तो इतना क्वेश्चन सोल्व करने इतने लेक्चर देखने और ई एस सी के इतने क्वेश्चन सोल्व करने तो उसके बाद एक टारगेट आ गया ऑनलाइन लर्निंग को मैंने इतना इफेक्टिव बना दिया है मेहनत कर करके कि हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट पर मैं ध्यान देता हूं और बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट मैं रखूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्योंकि यार एक सेशन में डेढ़ सौ स्टूडेंट मैक्सिमम मैं गाइड कर सकता हूँ एक एज अ इंडिविजुअल सो आप इसमें डिले मत करिए अगर आप चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग में आप एक्सेल करें प्रॉपर आपको टाइमिंग के साथ हर चीज गाइड की जाए तो आप ये रेफरल कोड यूज करके अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं क्लियर है मेरा जो रेफरल कोड है आप औरों को भी रिकमेंड कर सकते हैं क्योंकि ये जो कोड है ये अन अकेडमी हर एक जिन हर जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता है उनके लिए वैलिड है आप अपने फ्रेंड्स को अपने छोटे भाई को रिकमेंड कर सकते हैं अगर वो आईआईटी जी की प्रिपरेशन कर रहा है तो भी मेरा कोड यूज करने से टेन परसेंट फीस में रिडक्शन हो जाएगी ठीक है और देखिए बहुत सारे तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं बाई पार्ट कर सकते हैं ई ले सकते हैं अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है आप अन एकेडमी ऐप पे अपूर्व मित्तल सर्च कर लीजिए और वहां पर मुझे मैसेज कर दीजिए मैं आपको और गाइड कर दूंगा अगर आप फाइनेंशियली वीक है तो मैं आपको और तरीके बता दूंगा कैसे आप के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट आप कैसे पा सकते हैं ठीक है ये चीज मैं आपको गाइड कर दूंगा तो ध्यान है यार अन आप पे अपूर्व मित्तल सर्च करना है या टेलीग्राम पे आप ए एस एम लाइव या फिर सर्विंग जो मेरे टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं क्लियर एवरी वन सो गाइस आज का सेशन स्टार्ट करें ठीक है सो so आज का सेशन स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसके बाद एनालिसिस करते हैं ठीक है तो आज मैं आपके लिए दोस्तों एक लेवलिंग का क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि थर्टी मार्क्स का है इस क्वेश्चन से हम लेवलिंग के सारे कॉन्सेप्ट देख लेंगे विल डू दिस क्वेश्चन बाई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड एज वेल एज मैंने जब अपने अन के स्टूडियो ब्रिज पर जब लेक्चर लिए थे तो मैंने वहां पर बता दिया था कि मैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैथड भी करवाया कर था मैंने क्वेश्चन और राइज एंड फॉल मैथड से भी कराया था तो आपके पास ऑप्शन है आप किसी भी चीज से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अब देखिए तीस मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों कोई गलती नहीं होनी चाहिए पूरी ट्रेशन के साथ आपको एक क्वेश्चन करना है और इसका आंसर निकालना है तो जुड़ जाइए दोस्तों एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दीजिए कि आपको स्ट्रीमिंग बिल्कुल सही हो रही है और आप रेडी हैं इस क्वेश्चन इस क्वेश्चन को करने के लिए तीस मार्क्स का क्वेश्चन है और दोस्तों तीन सौ मार्क्स का पेपर होता है जिसमें अगर ये तीस मार्क्स आपके आ जाते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप रेस में हैं क्योंकि कल मैंने आपको बताया भी था जब आस्क मी एनीथिंग सेशन हुआ था बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेरी पूछी थी और बहुत अच्छा सेशन हुआ था जिसमें दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने डाउट पूछे थे मैंने उसे किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो सेशन ऐसे ही मैं एक और सेशन रखूंगा जिसमें मैं मैं स्टील स्टील स्ट्रक्चर के स्टील स्ट्रक्चर और के के क्वेश्चन क्वेश्चन आपको आपको कराऊंगा कराऊंगा और तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में दोस्तों मुझे बोल सकते हैं कि बिल्कुल सही चल रहा है और आप रेडी हैं इस चीज के लिए तो दोस्तों लेवलिंग का क्वेश्चन है अब मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्वेश्चन दिया गया है फिर इसको हम सोल्व करते हैं ठीक है उसके बाद ये रहा राइटिंग पैड

इट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से आपको यह क्वेश्चन करना है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से यह क्वेश्चन आपको करना है एंड अप्लाई अप्रोप्रिएट चेक चेक भी अपलाई करना है पॉइंट टेन इज देंचमार्क हैवन फोर तो आपको यहां पर क्या है कि बेंच मार्क दिया हुआ है बेंचमार्क का जो एक्सपेक्टेड आर है उसका आर आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में आर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 66.374 मीटर देखिए पॉइंट के बाद तीन डिजिट तक हम काम कर रहे हैं उसका डिटरमाइन दी लूप क्लोजर लूप क्लोजर क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए आपने सर्वेइंग किया आपके पास एक्सपेक्टेड बेंचमार्क है आरएल का और आप जब सर्वेइंग करते चले जा रहे हो और इस आरएल पे नहीं पहुंचे लास्ट टेंथ पॉइंट ये बेंचमार्क है लास्ट टेंथ पॉइंट का ठीक है और इसे भी बेंचमार्क आपने माना है और लूप क्लोजर क्या होता है मैं यहां पर लिख देता हूं लूप क्लोजर होता है जब आप सर्वेइंग कर रहे हैं जब आप लेवलिंग कर रहे हैं और टेंथ पॉइंट पे पहुंचे और आपके सर्वेइंग लेवलिंग करते करते जो टेंथ पॉइंट का आरएल है लेट अस सपोज ये नहीं है 66.374 नहीं है तो जो डिफरेंस आता है आरएल का जो डिफरेंस आता है उसे हम क्या बोल देते हैं कि वो लूप क्लोजर है वो लूप क्लोजर है तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है

ये मुझे पूरा पेज चाहिए होगा तो आप एक काम करिए ये आपने लिख लिया होगा मैं इसे इरेज कर देता हूं और फिर उसके बाद ठीक है और इसके बाद मैं क्वेश्चन दोस्तों यहां पर करता हूं और देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं लेवलिंग के तो आप काम क्या करिए आप यहां पर सीमेटिक डायग्राम बना लीजिए जैसे मान लीजिए सिक्सटी आपने एक पॉइंट देखा ये आपका एक पॉइंट है ये बेंचमार्क मान लिया ये बेंचमार्क है और ये फर्स्ट पॉइंट है ठीक है 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 ये है, ये फर्स्ट पॉइंट और इसका एट पॉइंट टू थ्री थ्री आपने देख लिया थ्री उसके बाद आपने क्या किया यहां पर स्टाफ रखा इंस्ट्रूमेंट रखा और फर्स्ट पॉइंट पे आपने क्या किया बैक साइड लिया जीरो पॉइंट फाइव नाइन सेवन और यहां पर आपने क्या किया एक ऑटो लेवल से आप सर्विंग लेवलिंग कर रहे हो और आपने क्या किया ट्राईपॉड पे रखा ट्राईपॉड पे रखने के बाद दोस्तों क्या किया आपने जो पहली रीडिंग ली लड सपोज ये जो पहली रीडिंग है आपकी ये बैक साइड है और ये कितनी है बैक साइड और बैक साइड कहां पे ली फर्स्ट पॉइंट पे ली जीरो जीरो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका उसके बाद आपने क्या किया कि उसके बाद आपने क्या किया फोर साइड ली ठीक है इस स्टेशन से ली गई हुई आखिरी रीडिंग कौन सी है फोर साइड है थ्री पॉइंट वन थ्री टू तो इसका मतलब आपका ग्राउंड लेवल बहुत थोड़ा सा नीचे है तभी ये रीडिंग आई होगी फॉर एग्जाम्पल आपने इस पॉइंट पे क्या किया रीडिंग ले लिया और ये पॉइंट सेकेंड है ठीक है ये पॉइंट सेकेंड है और इस पॉइंट की जो रीडिंग है वो कितनी वो है थ्री टू थ्री पॉइंट इसके बाद आपने क्या किया स्टेशन चेंज किया है आपने स्टेशन चेंज कर दिया क्योंकि इस स्टेशन इस से ली गई हुई आखिरी रीडिंग थी तो आपने स्टेशन चेंज किया और उसके बाद इसी जगह पर आपने स्टाफ रखा और रीडिंग कितनी ली टू पॉइंट फाइव एट सेवन तो यहां पर एक मैं पॉइंटर का कलर चेंज कर देता हूं और आपने जो रीडिंग ली है वो लेट अस सपोज यहां जो स्टाफ रखा है ये रीडिंग आपने कितनी ले ली ये रीडिंग है टू पॉइंट फाइव एट सेवन टू पॉइंट फाइव एट सेवन तो यहां पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू आ जाएगा सेकेंड लोकेशन पे अब उसके बाद आपने क्या किया कि इस स्टेशन से आपने अगले पॉइंट पे रीडिंग ली वो इंटरमीडिएट है मतलब इस सेकंड वाले लोकेशन से जो रीडिंग ली है वो आखिरी रीडिंग नहीं है तो 1.565 आपने रीडिंग ली तो लेट अस सपोज अब पॉइंटर का कलर चेंज कर देता हूं और ये थोड़ी सी ये नीचे दिखा दिया और ये थर्ड पॉइंट है ये थर्ड पॉइंट है और उसके बाद फोर्थ पॉइंट कौन सा है, one one. है आपका वन पॉइंट थोड़ा सा और नीचे चाहिए तभी रीडिंग बड़ी आई है ये फोर्थ पॉइंट हो गया तो ये रीडिंग आपने नोट कर ली फिर ये रीडिंग आपने देख ली ठीक है तो दो रीडिंग में वन पॉइंट नाइन वन 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 पॉइंट नाइन वन वन और ये वाली रीडिंग है दोस्तों वन पॉइंट तो तो ये ये चौथे पे आ गए उसके बाद पांचवा भी है 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 वो दोस्तों आएगा ज्यादा मतलब ग्राउंड थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है तो आपने फिर ये रीडिंग ले ली और अब जो ये रीडिंग है फिफ्थ पॉइंट की ये है दोस्तों फिफ्थ पॉइंट की जो रीडिंग है जीरो पॉइंट थ्री सेवन सिक्स जीरो पॉइंट थ्री सेवन Six. तो फिफ्थ पॉइंट पे आप पहुंच गए उसके बाद दोस्तों क्या चीज है पॉइंट आखिरी रीडिंग यहां से ली हुई है मतलब वो फोर साइट है वन पॉइंट फाइव टू टू तो ये थोड़ा सा और नीचे चला जाएगा तो ये दोस्तों आपका क्या है सिक्स पॉइंट है और ये जो रीडिंग है ये कितनी है वन पॉइंट फाइव टू टू 1.522 उसके बाद आपने क्या किया सिक्स के बाद फिर स्टेशन चेंज किया देखिए यहां पर स्टेशन चेंज किया चेंज पॉइंट है ठीक है और सिक्स पॉइंट पर ही आपने स्टाफ रखा और रीडिंग कितनी आ गई 2.244 ठीक है तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं एक स्टेशन बना देता हूं और दोस्तों स्टेशन uh, मैंने चेंज कर दिया ये थर्ड पॉइंट है यहां पर फिर मैंने स्टाफ रखा तो स्टाफ चेंज कराए तो मैंने यहां पर क्या करूंगा मैं पॉइंटर का कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और यहां पर स्टाफ रखा और ये जो रीडिंग आ गई तो इसे हॉरिजेंटल मानिएगा दोस्तोंटल मानिएगा ये, ये कितनी है, के बार ये जो रीडिंग है टू पॉइंट टू फोर फोर फौ टू पॉइंट टू फोर फोर ये रीडिंग जो है रेड से लिख देता हूं टू पॉइंट टू फोर फोर और ये एच आई थ्री आ जाएगा आपके पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट थ्री अब उसके बाद आपने क्या किया ये ले लिया और उसके बाद इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड यहां से दो रीडिंग आपने ली इस वाली स्टेशन से थ्री पॉइंट सेवन सेवन वन और ये पॉइंटर का कलर चेंज कर देता हूं यहां पर दोस्तों तो ये रीडिंग आपकी क्या होगी बहुत ज्यादा आएगी क्योंकि आपने दोस्तों क्या किया सेवन पॉइंट से ये जो रीडिंग है थ्री पॉइंट सेवन वन वन 3.711 और उसके बाद जो लास्ट रीडिंग ली है इस वाले स्टेशन से 1.985 ली है 1.985 तो इसको हल्का सा थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूं और ये 8th पॉइंट है 1. 911 तो ये 8th पॉइंट हो गया अब उसके बाद आपने क्या किया 8th पॉइंट के बाद 1. जब आपने 9 1.985 है ये 1.985 है 3. 1.985 तो 1.98

ये टेंथ पॉइंट हो गया तो पहले ये रीडिंग और ये रीडिंग तो आई आप होप आपको ये हो रहा हो अब सारी कैलकुलेशन हम निकालते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालेंगे आर एल एफ बेंच मार्क प्लस ये जीरो पॉइंट सेवन सिक्सटी एट पॉइंट अब मैं कलर चेंज कर देता हूं पॉइंटर का तो ठीक है तो यहां का तो, तो ये आ जाएगा तो इस पॉइंट का जब आपको आर एल चाहिए तो ये कितना हो जाएगा सिक्सटी एट पॉइंट एट थ्री माइनस थ्री पॉइंट वन थ्री टू तो ये सिक्सटी फाइव पॉइंट सिक्स नाइन एट आ जाएगा तो इसका जो आर एल है सिक्सटी फाइव पॉइंट सिक्स नाइन एट ठीक है ये हाइट माइनस कर दी अब इस वाली चीज से टू पॉइंट के आरएल से आपने क्या किया बैक साइड ऐड करी फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू आ जाएगा तो सिक्सटी फाइव पॉइंट सिक्स नाइन एट प्लस टू पॉइंट फाइव एट सेवन तो जब आपने इसे सॉल्व किया सिक्सटी एट पॉइंट टू एट फाइव तो ये आ गया सिक्सटी एट पॉइंट टू एट फाइव सिक्सटी एट पॉइंट टू एट फाइव

और फिफ्थ फिफ, फिफ्थ पॉइंट पॉइंट का सॉल्व करेंगे और और माइनस आपको करना पड़ेगा जीरो 376, जीरो 376, तो ये आ जाएगा ठीक है, गर, 67 .909, 67 .909, है? और फिर आप क्या करेंगे माइनस कर दीजिए आप माइनस करिए पर लास्ट पॉइंट जो आपका है इस स्टेशन से ली गई आखिरी 1.522 तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे 66 point, तो मैं यहां लिख देता हूं थ्री सेवन सिक्स उसके बाद आपको एच आई थ्री निकालना है एच आई थ्री एच आई थ्री एच आई थ्री कितना हो जाएगा एच आई थ्री जब आप देखिए ये सिक्सटी सिक्स पॉइंट सेवन सिक्स थ्री प्लस आपको क्या करना है टू पॉइंट टू फोर फोर तो ये हो जाएगा सिक्सटी नाइन पॉइंट जीरो जीरो सेवन तो सिक्सटी नाइन पॉइंट जीरो जीरो सेवन इसमें से आपको क्या माइनस करना है इसमें से माइनस करना है आपको थ्री पॉइंट सेवन थ्री पॉइंट सेवन जब आप ये माइनस करेंगे तो सिक्सटी टू नाइन सिक्स टू नाइन सिक्स आ गया उसके बाद इसमें से माइनस करिए आप जीरो सेवन माइनस तो ये जब आपने माइनस किया सिक्सटी सेवन पॉइंट यह आ जाएगा एट पॉइंट का सिक्सटी सेवन पॉइंट जीरो टू टू जीरो टू टू ठीक है तो ये आपका आ गया ठीक है ना हां विकास जी हाँ सर भर दो भैया पुराना तो सही हो नहीं रहा है यार मगर भर दो अगर आपको भरना हो तो भर हाँ। दो भर दो भर दो बर दो तो आप एक काम करो एक घंटे बाद आओ अभी तो मैं एक ऑफिस का काम कर रहा हूं ठीक एक घंटे बाद आ जाइएगा ठीक 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 तो दोस्तों जैसा कि थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था मैं एक बार चेक कर लेता हूं ठीक है तो वापस से आपका क्या हो गया है ये आपका सही हो गया तो एक बार आप चेक कर लीजिए दोस्तों कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है एक बार कनेक्शन आप देख लीजिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ठीक है रवि रंजन हेलो यार आई होप अब दिक्कत नहीं आ रही होगी पिनाकी भी आ गए हैं पिनाकी क्या बोल रहे हैं इजी इजी तो नहीं है यार ये ठीक है सिक्सटी नाइन पॉइंट जीरो जीरो सेवन एच आई थ्री शायद आपको नहीं दिख रहा होगा तो एच आई थ्री में थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं एच आई थ्री है सिक्सटी नाइन पॉइंट जीरो जीरो सेवन सिक्सटी नाइन पॉइंट जीरो जीरो सेवन है अब शायद आपको विजुलाइज हो रहा होगा ये ठीक है तो सिक्सटी एट पॉइंट टू थ्री थ्री सिक्सटी फाइव पॉइंट सिक्स नाइन एट सिक्सटी सिक्स पॉइंट सेवन टू जीरो सेवन फोर सिक्सटी सेवन पॉइंट नाइन जीरो नाइन सिक्सटी सिक्स पॉइंट सेवन सिक्स थ्री उसके बाद सिक्सटी फाइव पॉइंट टू थ्री सिक्स ठीक है आ, 66, 65.236, 236 तो मैं ये एक बार चेक कर लेता हूँ 3.711 है ये रीडिंग 3.7, 3.771 है ये दोस्तों ये मेरे से ये गलती हुई थी 3.771 है तो 69.007 में से 69.007 में से आपको क्या माइनस करना है आपको माइनस करना है 3.771 माइनस करना है तो 65.236 आ जाएगी ये वैल्यू तो मैं इरेज कर देता हूँ इस चीज़ को टू थ्री सिक्स रवि रंजन हेलो यार आप अच्छे से क्वेश्चन करिए और टू थ्री सिक्स और उसके बाद आपको क्या मैनेज करना है सिक्सटी नाइन पॉइंट जीरो जीरो सेवन में से सिक्सटी सेवन पॉइंट जीरो टू टू उसके बाद आपको एच आई फोर निकालना है एच आई फोर कैसे निकालेंगे एच आई फोर इज आपका जो एट्थ पॉइंट का आर एल है उसमें आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एड करनी है दैट इज सिक्सटी सेवन पॉइंट जीरो टू टू प्लस 1.334 1.334 तो जब आप ये ऐड करेंगे 68. 68.hi4 आपका कितना आ जाएगा 68.356 356 65.3 आई होप ये आपको विजुलाइज हो रहा होगा ये आपको दिख रहा होगा hi3 आपका कितना है 68.356 तो थोड़ा सा ये इमेज से छुप गया है बट आप ये ध्यान रखिएगा 68.356 है उसमें से आपको क्या माइनस करना है उसमें से आपको माइनस करना है .0.6

थ्री फाइव फोर तो मैं नीचे लिख देता हूं टेंथ पॉइंट का आर एल पॉइंट का लिख देता हूं तो ये आपने क्या किया सीमेटिक डायग्राम बना के भी सारे आरएल आपने शो कर दिए तो इससे भी आपको थर्टी मार्क्स मिल जाएंगे बट फिर भी हम क्या करते हैं हम क्या करेंगे दोस्तों इसकी एक टेबल बना देंगे टेबल कैसे बनाएंगे तो आप टेबल बना दीजिए टेबल बनाने के लिए आप क्या करते हैं तो अगर आपको टेबल बनानी है तो आप सबसे पहले उसमें लिखिए पॉइंट्स पॉइंट्स बनाने के बाद उसके बाद आप दोस्तों क्या लिखते हैं पॉइंट्स आपका हो गया फिर आप बैक साइड लिखते हैं बैक बैक साइड 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 लिखने के के बाद बाद आप आप क्या लिखेंगे लिखेंगे दोस्तों फोर इंटरमीडिएट साइड आप इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट साइड साइड लिखेंगे लिखने के बाद आप लिखेंगे दोस्तों फोर साइड फोर साइड लिखने के बाद आप लिखेंगे दोस्तों हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लिखने के बाद दोस्तों आप क्या लिखेंगे आर एल ऑफ दी पॉइंट तो इसके आपको दस पॉइंट बनाने पड़ेंगे ये पहला हो गया दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, छठा छठा, और फिर ये सातवा आठवा नवा और दसवा। तो ये आपने क्या कर दिए? दस पॉइंट्स आपने एज इट इज लिख दिए तो ये सारे पॉइंट्स मैं लिख देता हूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है तो जहां पर बैक साइड है जहां पर आपका फोर्थ साइट है जहां इंटरमीडिएट साइट है वो तो आपको टेबल में लिखा हुआ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और लिख देता हूं मैं और आपका आंसर हो गया और आपको पूरे के पूरे यहां पर मार्क्स आपको मिल जाएंगे तो बैक साइड यहां पर कितनी है चेनेज यहां पर जीरो ट्वेंटी से लेकर वन तक है और उसके बाद बैक साइड ये है जीरो और बैक साइड कहां पर है टू उसके बाद फोर साइड यहां पर है वन ये इंटरमीडिएट साइट है जीरो पॉइंट थ्री सेवन सिक्स उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है है फोर साइट आपकी कितनी थ्री पॉइंट यहाँ पर है दोस्तों वन पॉइंट फाइव टू टू और टू पॉइंट टू फोर फोर थ्री पॉइंट सेवन सेवन वन उसके बाद वन पॉइंट थ्री थ्री फोर और यहां पर लिखा हुआ है वन पॉइंट नाइन एट फाइव और क्वेश्चन में क्या चीज दी हुई है जीरो पॉइंट सिक्स जीरो वन और ये दिया हुआ है टू पॉइंट जीरो जीरो टू इतना दिया हुआ है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पहले लोकेशन पे देख लीजिए कितना है सिक्सटी एट पॉइंट एट थ्री तो सिक्सटी एट पॉइंटी एट पॉइंट एट थ्री जीरो और सेकेंड लोकेशन पे कितना है सिक्सटी एट पॉइंट

तो आपका क्या आ जाएगा पहला तो सिक्सटी एट पॉइंट तो मैं इसे रेड से लिख देता हूं तो सारे आर एल में यहां पर लिख देता हूं टू थ्री थ्री उसके बाद सेकेंड लोके सिक्सटी फाइव पॉइंट सिक्सटी फाइव पॉइंट सिक्स नाइन एट और जो थर्ड पॉइंट है उसके बाद है दोस्तों टू जीरो और उसके बाद है सिक्सटी सिक्स पॉइंट थ्री सेवन फोर सिक्सटी सेवन पॉइंट नाइन जीरो नाइन सिक्सटी सिक्स पॉइंट सेवन सिक्स थ्री और फिर उसके बाद है सिक्सटी फाइव पॉइंट टू थ्री सिक्स और उसके बाद है सिक्सटी सेवन पॉइंट जीरो टू टू और उसके बाद है सिक्सटी सेवन पॉइंट सेवन फाइव फाइव और उसके बाद है दोस्तों सिक्स पॉइंट थ्री फाइव फोर तो एक बार चेक कर लीजिए आप लोग चेक कर लीजिए और इसको करेक्ट कर लीजिए तो सिक्सटी एट पॉइंट टू थ्री थ्री और उसके बाद सिक्सटी फाइव पॉइंट सिक्स नाइन एट सिक्सटी सिक्स पॉइंट सेवन टू जीरो सिक्सटी सिक्स पॉइंट सेवन टू जीरो सिक्सटी सिक्स पॉइंट थ्री सेवन फोर सेवन पॉइंट नाइन जीरो नाइन सिक्स और सिक्सटी सिक्स पॉइंट सेवन थ्री सेवन सिक्स थ्री सिक्सटी फाइव पॉइंट टू थ्री सिक्स सिक्सटी फाइव पॉइंट टू थ्री सिक्स उसके बाद एट है सिक्सटी सेवन पॉइंट जीरो टू टू फिर सिक्सटी सेवन पॉइंट सेवन फाइव फाइव और फिर लास्ट वाला है 66.354 तो ये आपने पूरे के पूरे आर आपने निकाल लिए तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्व में आया होगा इतना करने के 30 मार्क्स हैं और 30 मार्क्स दोस्तों बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब आपसे क्या पूछा है क्लोजर लूप लूप क्लोजर आपसे पूछा हुआ है ठीक है तो लूप क्लोजर आप कैसे निकालेंगे और पहले अरिथमेटिक चेक लगाएंगे यहां पर अरिथमेटिक चेक अरिथमेटिक चेक क्या होता है अरिथमेटिक चेक आपका जो होता है समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू आर एल ऑफ लास्ट पॉइंट आर एल ऑफ लास्ट पॉइंट माइनस आर एल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ठीक है बैक साइड सारी आप ऐड कर दीजिए बैक साइड सारी ये है तो पॉइंट फाइव नाइन सेवन तो जीरो पॉइंट फाइव नाइन सेवन प्लस उसके बाद क्या है टू पॉइंट फाइव एट प्लस टू पॉइंट टू फोर फोर प्लस वन पॉइंट थ्री थ्री फोर ये बैक साइड है माइनस फोर साइड सारी ऐड कर दीजिए फोर साइड कौन कौन सी है ये एक एक दो तीन और ये चार थ्री पॉइंट वन थ्री टू थ्री पॉइंट वन थ्री टू प्लस उसके बाद क्या है वन पॉइंट फाइव टू टू वन पॉइंट फाइव टू टू प्लस फिर है वन पॉइंट नाइन एट फाइव वन पॉइंट नाइन एट फाइव और फिर लास्ट वाला क्या है टू पॉइंट जीरो जीरो टू टू पॉइंट जीरो जीरो टू आपके क्या हो गए और लास्ट आर एल कितना है लास्ट पॉइंट का आर एल कितना है 68 .233, 68 .233. अब यहां पर आप चेक कर लीजिए और आप अपना आंसर निकाल लीजिए क्या आपने सर्विंग ठीक करी है जीरो पॉइंट फाइव नाइन सेवन प्लस टू पॉइंट फाइव एट सेवन प्लस टू पॉइंट टू फोर फोर प्लस वन पॉइंट थ्री थ्री फोर इसमें से आपको माइनस करना है थ्री पॉइंट वन थ्री टू प्लस वन पॉइंट फाइव टू टू प्लस वन पॉइंट नाइन एट फाइव प्लस टू पॉइंट जीरो जीरो टू तो इसे जब आपने सॉल्व किया माइनस का ये वैल्यू आ गई माइनस का वन पॉइंट एट सेवन नाइन ठीक है और यहां पर जब आप किया लास्ट आर 66.354 सिक्सटी सिक्स पॉइंट थ्री फाइव फोर माइनस सिक्सटी एट पॉइंट टू थ्री टू तो वन पॉइंट बिल्कुल सही यहां पर आ गया वन पॉइंट माइनस का वन पॉइंट एट सेवन एट तो आपने जो सर्वे करिए बिल्कुल सही करिए आर एल ऑफ दी लास्ट पॉइंट आर एल ऑफ दी फर्स्ट पॉइंट ये आपने अरिथमेटिक चेक लगा दिया अब लूप क्लोजर आप यहां पर देख लीजिए क्या चीज है लूप क्लोजर जो होता है लूप क्लोजर क्या होता है कि आपने जो एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखी है डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटेड वैल्यू डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटेड वैल्यू जो आपने कंप्यूट करी है एंड नोन वैल्यू

लूप क्लोजर है तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.02 मीटर आपकी आ जाएगी तो इतना एरर आपका रह गया है बट ठीक है इतना तो चलता है देखिए दोस्तों आप बिल्कुल एक्यूरेट मीटर वाइज आप एक्यूरेट आपका सेंटीमीटर वाइज आप एक्यूरेट है बट कुछ एमएम mm में आपसे कुछ गलती हुई है तो इतना आपका चलेगा तो यह आपका लूप क्लोजर है तो आपने जो करी है बिल्कुल करेक्ट करी है लेवलिंग आपने बिल्कुल करेक्ट करी है तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा अगर कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं और जो स्टूडेंट इसे ऑफलाइन देखेंगे वो भी इसका अगर आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा मैं इस क्वेश्चन को अगर आपका कोई डाउट होगा तो उसे कमेंट सेक्शन से पढ़ के आपका उसे रेक्टिफाई कर दूंगा तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों ये सेशन और 30 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है तो आज का जो मेरा क्वेश्चन है दोस्तों आज मैं दो क्वेश्चन लूंगा सर्वेइंग के ऊपर और उसके बाद मैं सर्वेइंग को कंप्लीट मान रहा हूं मैंने एनवायरमेंट पूरी करा दी है सॉइल पूरी करा दी है और ये सर्वेइंग पूरी करा दी है तो इसके बाद दो सब्जेक्ट में उठाऊंगा दोस्तों वो दो सब्जेक्ट आपके होंगे स्टील और आरसीसी तो इसके बाद मैं स्टील और आरसीसी के ऊपर क्वेश्चन कराने वाला हूं हर दिन मैं चार क्वेश्चन कराऊंगा तो ऑलमोस्ट मेरे पास अभी आठ दिन है एस एस जेई की प्रिपरेशन के लिए तो इन आठ दिनों में दोस्तों अराउंड आपके थर्टी क्वेश्चन और सोल्व करा दूंगा फॉर एस एस आर एंड फॉर स्टील तो बने रहिए दोस्तों पहला क्वेश्चन ये एस एस सी जेई टू थाउजेंड फोर का फिफ्टीन मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों तो इस क्वेश्चन में क्या है कैलकुलेट दी ओमिटेड लेंथ ऑफ दी लाइंस ऑफ बी सी एंड सी डी आपने एक सर्विंग किया तो ये क्या है दोस्तों ट्रेवर्स आपने बनाया एबीसीडी ए बी सी डी ई ए आपने ट्रेवर्स बनाया और इसमें आपने क्या किया ट्रेवर्सिंग आपने जब करी है तो ट्रेवर्स सर्वे में आपने आपनेट्यूड और डिपार्चर निकालने होते हैं आपने लेंथ भी मेजर करी और बियरिंग भी आपने मेजर करी है तो ये आपने लेंथ और बियरिंग मेजर करी सबकी ईस्टिंग नॉर्थिंग आपने लिखी हुई है फिर दोस्तों क्या चीज है कि आपने दो लेंथ कहीं से आप भूल गए आप नहीं लिख पाए तो दो तरीके होते हैं दोस्तों ये मैंने लेक्चर्स में भी बताया फॉर एक्जाम्पल जैसे आपने कोई क्लोज ट्राइवर्स बनाया हुआ है ए बी सी और ए बी सी डी और ई e, और ए अब आपने क्या किया पूरी ट्रेवर्सिंग कर दी हर लाइन की लेंथ नि निकाल ली और एंगल निकाल लिया हर लाइन की बियरिंग निकाल ली और लेंथ निकाल ली हर लाइन की आपने क्या कर ली हर लाइन की बियरिंग निकाल ली और लेंथ निकाल ली अब उसके बाद क्या चीज है आप जब घर पे गए आपने देखा है दो डेटा में दो लाइन की लेंथ मिसिंग है बीसी लाइन की लेंथ मिसिंग है और सी डी लाइन की लेंथ मिसिंग है बट उसका एंगल आपको पता है ठीक है तो अब आपको क्या करना है कि अपनी कैलकुलेशन है या दो तरीके अब आप फिर से साइड पे जाइए सारी कैलकुलेशन करिए फिर आपके अपना क्लोज ट्रैवर्स बनाइए तो या दूसरा तरीका क्या है आप अपनी मैथमेटिकल स्किल लगा के ये जो मिसिंग वैल्यू है वो आप निकाल सकते हैं तो हमें पता है फॉर अ क्लोज ट्रैवर्स फॉर अ क्लोज ट्रैवर्स सम ऑफ लैटिट्यूड सम ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू जीरो एंड सम ऑफ डिपार्चर शुड बी इक्वल टू जीरो वल टू जीरो सम ऑफ डिपार्चर इज इक्व टू जीरो तो ये आपको पता होना चाहिए क्लोज ट्रेवर्स के लिए लैटिट्यूड का सम भी जीरो होता है और डिपार्चर का सम भी जीरो होता है तो लैटिट्यूड का सम और डिपार्चर का सम हम जीरो कर देंगे तो ईस्टिंग और नॉर्थिंग आपको दी हुई है बट इनकी लेंथ नहीं पता है तो इसकी ईस्टिंग नॉर्थिंग और इसकी ईस्टिंग नॉर्थिंग आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे दोस्तों आपको पता है किसी भी लाइन का लैटिट्यूड क्या होता है तो फॉर एक्जाम्पल जैसे कोई एक लाइन है और ये एक लाइन है ए बी लाइन है लाइन ए बी है फॉर एग्जाम्पल इसकी बियरिंग आपको थीटा पता है और इसकी लेंथ आपको एल पता है तो लैटीट्यूड मतलब क्या होता है लैटीट्यूड मतलब होता है इस लाइन का जो प्रोजेक्शन है ऑन नॉर्थ साउथ एक्सिस और डिपार्चर क्या होता है किसी भी लाइन का जो प्रोजेक्शन है ऑन ईस्ट वेस्ट एक्सिस तो लैटिट्यूड क्या है दोस्तों जब आप ये राइट एंगल ट्राइंगल लोगे तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी एल कॉस थीटा हो जाएगी और डिपार्चर कितना हो जाएगा ये लाइन हो जाएगी एल साइन थीटा तो उूड ऑफ अ लाइन मतलब क्या होगा किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन ऑन नॉर्थ साउथ एक्सिस और डिपार्चर मतलब उस लाइन का प्रोजेक्शन ऑन ईस्ट वेस्ट एक्सिस तो अब आप दोस्तों यहां पर क्या कर लीजिए आपको पता है हर क्लोज में सारी लाइन का डिपार्चर जीरो होता है तो ये दोस्तों आपने क्या की हुई है लेंथ आपने लिखी हुई है दो लेंथ मिसिंग है तो आप लेंथ को अज्यूम कर लीजिए अज्यूम लेंथ बीसी इज एल टू अज्यूम लेंथ बी से सी इज एलवन और उसके बाद जो सी से डी है इसको आपने क्या मान लिया एल टू मान लिया अब सारी लेंथ की अब सारी लाइन की लैटीट्यूड और डिपार्चर आप निकाल लीजिए और उसे आप जीरो कर दीजिए यू विल गेट आंसर तो ये दोस्तों क्या चीज है दी दी हुई हुई है है थीटा और ये आपको लेंथ तो यहां से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो दोस्तों क्या चीज है ये आपको दिया भी हुआ है जैसे प्लस ट्वेंटी सिक्स पॉइंट टू नाइन है आपको पता है कॉस्ट जो पहले कंपोनेंट में होता है ये हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर आप कॉर्डिनेट जो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री अगर आप देख रहे हैं इस वाले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं साइन भी पॉजिटिव और कॉस भी पॉजिटिव ठीक है और इसमें दोस्तों क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव होता है और इसमें दोस्तों क्या होता है कि साइन और कॉस दोनों ही नेगेटिव होते हैं साइन और कॉज थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं और यहां पर कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और साइन आपका क्या होता है नेगेटिव होता है साइन थीटा नेगेटिव होता है तो ये आपने देख लिया और अगर आपको नहीं ये चीज समझ में आ रही है तो आप क्या करिए कोई एंगल ले लीजिए फॉर एक्जाम्पल सेकंड क्वार्टर का कोई एंगल ले लीजिए आप नाइनटी से बड़ा और एक सौ अस्सी से छोटा एक सौ दस ले लेते हैं तो अगर आप साइन एक सौ दस लेते हैं तो देखिए आपकी वैल्यू आ गई पॉजिटिव की पॉइंट नाइन थ्री साइन एक सौ दस वैल्यू आप अगर आप देखोगे कैलसी से पॉइंट नाइन थ्री और यही चीज अगर आप कॉस के साथ लोगे कॉस एक सौ दस डिग्री तो ये आपकी माइनस आ जाएगी कॉस एक सौ दस डिग्री आपकी कितनी हो जाएगी माइनस का 0.34 तो देखिए दोस्तों ऑटोमेटिकली कॉस आपका नेगेटिव आ गया तो ये आप ध्यान रखिएगा तो अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है लाइन ए बी जो लाइन है उसकी बेरिंग्स ली हुई है तो 1.04.85 1.04.85 इनटू कॉस ऑफ कितना है इनटू कॉस ऑफ 14 डिग्री 31 मिनट तो ये जब आपने सॉल्व किया Uh, तो ये वन जीरो वन पॉइंट फाइव वन आ गया तो ईस्टिंग नॉर्थिंग आपको दिया है मतलब लैटिट्यूड और डिपार्चर आपको पहले से दिया है आपको कैलकुलेट नहीं करना ये और भी हमारे लिए आसान हो गया तो फॉर अ क्लोज ट्रेवर्स फॉर अ क्लोज ट्रेवर्स समेशन ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वस टू जीरो समेशन ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वस टू जीरो अब क्या होता है दोस्तों ध्यान रखिएगा इस वाले प्रोजेक्शन में या तो नॉर्थिंग होती है या साउथिंग होती है नॉर्थिंग मतलब latitude, मतलब पॉजिटिव साउथिंग नेगेटिव तो देखिए लैटीट्यूड कहां कहां दी हुई है एक तो ये है है ये है और ये येट्यूड है इनका नहीं पता है तो इनका लैटीट्यूड कितना हो जाएगा ये एलवन कॉस तीन डिग्री बयालीस मिनट तो आपने सारे लैटीट्यूड एड कर दिए सारे लैटीट्यूड जब आप एड करेंगे तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये एक बार आप देख लीजिए ये लैटीट्यूड है सौ एक तो 101.50 प्लस उसके बाद क्या चीज है एलवन कॉस तीन डिग्री बयालीस मिनट L1 वन कॉस तीन डिग्री बयालीस मिनट तो ये एक हो गया प्लस उसके बाद क्या चीज है दोस्तों इसका जो लैटिट्यूड है कितना हो जाएगा एल टू कॉस तीन डिग्री पंद्रह मिनट प्लस एल टू कॉस तीन डिग्री पंद्रह मिनट तो ये आपका हो गया दोस्तों एक और लैटिट्यूड उसके बाद देखिए इसका लैटिट्यूड दिया हुआ है ये cos 5 15 minute, तो ये डिग्री मिनट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, वो का है? Zero, तो ये आपने एक इक्वेशन बना दी और एक इक्वेशन आपकी कैसे बन जाएगी इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एलवन कॉस तीन सौ उन्नीस डिग्री बयालीस मिनट कितना कॉस ऑफ तीन उन्नीस डिग्री फोर्टी टू मिनट जब आप इसे सॉल्व करेंगे पॉइंट सेवन सिक्स आ जाएगा तो पॉइंट सेवन सिक्स प्लस और ये कितना है दोस्तों ऑफ सेवन डिग्री फिफ्टीन मिनट इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पॉइंट नाइन सेवन पॉइंट नाइन सेवन एल टू उसके बाद क्या चीज है इसे जब आप सॉल्व करेंगे माइनस का ये कितना आ जाएगा वन जीरो वन पॉइंट फाइव जीरो प्लस का फाइव का फोर पॉइंट टू वन इसे जब आपने सॉल्व किया तो माइनस थ्री या प्लस का इधर लिख लेते हैं प्लस का तो ये इक्वेशन इक्वेशन बन इसे मैं 1 बोल देता हूं। अब इक्वेशन टू बना देता हूं फॉर क्लोज एवर्स वी नो समेशन ऑफ डिपार्चर इज 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 ऑल्सो जीरो आप देख लीजिए ईस्टिंग अब देखिए डिपार्चर जो होता है ईस्टिंग पॉजिटिव होता है ठीक है, होता है तो प्लस ट्वेंटी तीन वैल्यू और दी हुई है तीन वैल्यू और, और कौन सी दी हुई है एक तो ये आपके दी हुई है एट पॉइंट थ्री नाइन वन ट्वेंटी टू पॉइंट जीरो प्लस एट पॉइंट थ्री नाइन प्लस वन ट्वेंटी टू पॉइंट जीरो दोस्तों क्या चीज है एलवन जो डिपार्चर होता है वो क्या होता है साइन ऑफ एल वन साइन कौन सा एंगल है बियरिंग देख लीजिए तीन सौ उन्नीस डिग्री बयालीस मिनट तीन सौ उन्नीस डिग्री बयालीस मिनट और क्या चीज है दोस्तों का L2, of, जो दूसरा एंगल है तीन सौ सैतालीस डिग्री पंद्रह मिनट इज इक्वस टू जीरो तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स पॉइंट नाइन जीरो प्लस एट पॉइंट थ्री नाइन प्लस वन ट्वेंटी टू पॉइंट जीरो फाइव जब आप सॉल्व करेंगे थ्री 157.34 प्लस ये साइन ऑफ 319 डिग्री 42 मिनट तो ये जब आप सॉल्व करेंगे माइनस का कितना आ जाएगा माइनस का 0.64l1 और ये कितना हो जाएगा ये भी माइनस का हो जाएगा n2 ये क्या है साइन ऑफ 347 डिग्री 347 डिग्री uh, 15 मिनट तो दिस इज 0.220 0.22l2 इज इक्वल्स टू जीरो तो ये आपका कितना हो जाएगा पॉइंट सिक्स फोर एलवन प्लस पॉइंट टू टू एल टू इज इक्व टू वन फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री फोर यह इक्वेशन टू बन गई तो इन दोनों इक्वेशन से अब आप क्या कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू आप क्या कर सकते हैं एलवन और एल टू आपका निकल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू सॉल्व एलवन एंड एल टू तो आपकी जो लेंथ है वो आपकी दोनों निकल आएंगी तो ये जो लेंथ आपने निकाली है ये आप निकाल लीजिए फटाफट तो ये जो लेंथ है मैं यहां पर सॉल्यूशन लिख देता हूं आपकी एलवन एल टू आपकी जो आ जाएगी वो आपकी आएगी या दोस्तों इसे आप कैलसी से भी सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन को तो ये आप कैलसी से अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा शिफ्ट और मोड करके आपको लाना पड़ेगा उसके बाद ये दोस्तों पहले तो आपने ये कर दिया मोड में आप गए उसके बाद ये क्या है दोस्तों इक्वेशन है ठीक है तो ये इक्वेशन में गए अननोन कितने हैं दोस्तों यहाँ पर दो अननोन है ठीक है ए वन आपने लिख लिया 0.76 और उसके बाद बी वन लिख लिया 0.97 और सी वन आपने लिख लिया माइनस का 391.65 ठीक है ए टू आपने लिख दिया ये ए टू हो गया 0.64 और ये हो गया 0.22 उसके बाद सी टू हो गया म ठीक है तो वन फोर्टी सिक्स पॉइंट फाइव जीरो आ जाएगा और दूसरी वैल्यू आ जाएगी टू एटी एट पॉइंट नाइन सेवन तो ये दोनों वैल्यू मैं लिख देता हूं तो एलवन आपकी जो आ गई है वैल्यू एलवन इज इक्व टू ये दोनों ही वैल्यू आपके कितनी L1 L1 आपकी कितनी आई एलवन और एल टू एलवन आपकी आई है दोस्तों वन फोर्टी सिक्स पॉइंट वन फोर्टी सिक्स पॉइंट फाइव जीरो और एल टू जो आपकी आई है टू एटी एट पॉइंट नाइन सेवन टू एटी एट पॉइंट नाइन 7, तो ये दोनों लेंथ आपकी आ गई तो ये दोनों लेंथ आपकी आ गई है एल वन और एल टू अब आपको क्या करना है ईस्टिंग और नॉर्थिंग इनकी लिख देनी है तो इस वाली लाइन की वैसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन है, यूजिंग फॉलोइंग डेटा ओमिटेड लेंथ ही पूछिए तो ईस्टिंग नॉर्थिंग निकालने की जरूरत नहीं है बट अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं अगर आप निकालना चाहें तो इसकी ईस्टिंग क्या हो जाएगी इस वाली लाइन की जो ईस्टिंग है ईस्टिंग और इसकी जो नॉर्थिंग है वो दोनों निकाल सकते हैं तो इसके लिए जो आपको निकालनी पड़ेगी वन फोर्टी तो ये वन फोर्टी जीरो एंगल है साइन ऑफ ये है आपका तीन सौ उन्नीस डिग्री बयालीस मिनट थ्री वन नाइन डिग्री फोर्टी टू मिनट तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो 94.75 फोर पॉइंट सेवन फाइव आ जाएगा 94.75 फोर पॉइंट सेवन फाइव ठीक है तो इसकी आप क्या निकाल रहे इसकी आपने निकाल ली ईस्टिंग माइनस नाइनटी फोर पॉइंट सेवन फाइव और इसकी अगर आपको नॉर्थिंग निकालनी है तो आप क्या कर लीजिए वन फोर्टी सिक्स फाइव जीरो इन कॉस ऑफ कौन सा एंगल है तीन सौ उन्नीस डिग्री बयालीस मिनट तीन सौ उन्नीस डिग्री बयालीस मिनट तो ये जब आप निकालेंगे वन ट्रिपल वन पॉइंट सेवन थ्री और इसके लिए टू एट्टी एट पॉइंट नाइन सेवन टू एट्टी एट पॉइंट नाइन सेवन इंटू साइन ऑफ तीन सौ सैंतालीस डिग्री पंद्रह मिनट तीन सौ सैंतालीस डिग्री पंद्रह मिनट तो ये वैल्यू आ जाएगी सिक्सटी माइनस का सिक्सटी थ्री पॉइंट सेवन सेवन और इसकी जो अगर आप नॉर्थिंग निकालेंगे तो वो आ जाएगा टू एट्टी एट पॉइंट नाइन सेवन कॉस ऑफ तीन सौ डिग्री तीन सौ डिग्री पंद्रह मिनट तीन सौ सैंतालीस डिग्री पंद्रह मिनट तो ये आ जाएगा टू एट्टी वन पॉइंट एट फोर टू वन पॉइंट एट फोर तो ये सारी वैल्यूज आपने निकाल ली वैसे क्वेश्चन में हमें सिर्फ दो ही वैल्यू निकालनी थी वो हमने निकाल ली है तो ये दोनों वैल्यू निकाली थी मीटर तो आप मीटर और जरूर लिख दीजिए और आपका आंसर आ गया और पंद्रह मार्क्स आपको यहां पर मिल गए मीटर और मीटर तो ये आपने वैल्यू निकाल ली नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों फटाफट दोस्तों इन्हें सॉल्व करते हैं ओके okay. ठीक है अब ये क्वेश्चन दोस्तों किसका है टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग का है

और यहां पर आपने स्टाफ रखा ये डिस्टेंस आपको पता है ये कितनी है सौ मीटर और तीन सौ मीटर तो सौ मीटर पे जब आपने स्टाफ रखा और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इससे एस टू रीडिंग आती है और एक इसमें एक ये वाली रीडिंग होती है और एक ये वाली रीडिंग होती है तो एस वन एस टू एस थ्री ठीक है उसके बाद आपने क्या किया दूसरी जगह स्टाफ रखा और उसके बाद ये ये यहां से कितने मीटर पे है तीन सौ मीटर पे और इन्हीं रीडिंग को आपने एक्सटेंड कर दिया ठीक है तो ये जो चीज होती है यहां से लेके यहां तक छोटी स्टाफ रीडिंग माइनस सबसे बड़ी स्टाफ रीडिंग इसे बोलते हैं स्टाफ इंटरसेप्ट स्टाफ इंटरसेप्ट इसे हम एस से भी डिनोट करते हैं एस इज टू क्या हो जाएगा एस थ्री माइनस एस वन आपका हो जाएगा ठीक है तो एस वन एस थ्री किस काम आते हैं रीडिंग एस वन एंड एस थ्री किस काम आएंगे टू डिटरमाइन दी डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ स्टाफ फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट स्टाफ फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट और आपकी जो बीच वाली रीडिंग है एस टू एस टू किस काम आती है एस टू रीडिंग एस टू रीडिंग आपकी किस काम आती है आप आर एल ऑफ दी पॉइंट निकालने के काम आती है ठीक है और यहां पर आपको पता है टेक्यूमेट्री की तो आपकी डी इज इक्वल टू के एस प्लस सी होता है तो डिस्टेंस ऑफ स्टाफ फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट इज के एस प्लस सी के क्या होता है मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और सी की जो वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं एडिटिव कांस्टेंट तो क्वेश्चन में पहले आपसे ये पूछा है एडिटिव कांस्टेंट की के और सी की वैल्यू निकालिए तो आपने क्या किया है सौ मीटर पे आपने देखा तो डिस्टेंस सौ मीटर है के की वैल्यू आपको निकालनी है स्टाफ इंटरसेप्ट पहले के लिए कितना है पहले के लिए पॉइंट नाइन नाइन प्लस सी तो ये पहली इक्वेशन बन गई फिर जब आपने स्टाफ को क्या रखा तीन मीटर पर रखा तब क्या वैल्यू है स्टाफ इंटरसेप्ट तब कितना है तब क्वेश्चन में दिया हुआ है थ्री मीटर

अगर ये वैल्यू आती इफ के की वैल्यू हंड्रेड होती है और सी की वैल्यू जीरो होती है वो लेंस जिसके लिए के की वैल्यू हंड्रेड सी की वैल्यू जो होती है उसे एनालैक्टिक लेंस बोलते हैं एनालैक्टिक उसे एनालेक्टिक लेंस बोलते हैं ठीक है तो यहां पर जो लेंस आपने यूज किया है टेकोमीटर में तो ये जो इंस्ट्रूमेंट में जो लेंस आपका है वो आपका एनालेक्टिक लेंस नहीं है क्योंकि K और C की वैल्यू और की आई है। अब ये पहला आपने सोल्व कर दिया इसके दस आपको मिल गए। दूसरा क्या है इंस्ट्रूमेंट वॉज अ टेलीस्कोप इंक्लाइंड एट डिप्रेशन एंग एंगल ऑफ टेन डिग्री ठीक है तो अब आपने क्या किया किसी पॉइंट बी पर रीडिंग ली है और ये आपने बी पॉइंट देख लिया और यहां पर आपने क्या किया इंस्ट्रूमेंट को सेट किया है ठीक है और ये जो एंगल है ये कितना है ये दस डिग्री है ठीक है उसके बाद आपसे क्या बोला ये पॉइंट बी है और आपने ए पॉइंट पे स्टाफ को रखा है इंस्ट्रूमेंट को 2.670 और बीच वाली रीडिंग है 1 .835, 1 .835, और तीसरी वाली रीडिंग जो है वो 1.00 पॉइंट जीरो ये हैीरो बी पे आपने और ये स्टाफ ए पर रखा हुआ है ये अभी तक आपने निकाल लिया है

कि ये जो इंक्लाइन लेंथ होती है एल इज इक्व टू जब भी स्टाफ वर्टिकल होता है ये परपेंडिकुलर नहीं होता है तो स्टाफ जब परपेंडिकुलर होता है तो इंक्लाइन लेंथ जो ये बीच वाली आती है मैं हाईलाइट कर देता हूं यहां पर तो ये बताता हूं दोस्तों ये वाली जो लेंथ है ये जो इंक्लाइन लेंथ होती है दोस्तों ये इंक्लाइन लेंथ आपकी होती है एल इज इक्व टू के एस कॉस थीटा प्लस सी होती है ठीक है तो ये इसे मैं सॉल्व कर देता हूं तो के एस एस क्या होता है स्टाफ इंटरसेप्ट होता है तो ये जो इंक्लाइन लेंथ एल है वो कितनी हो जाएगी एल के आपका कितना है है और एस कितना है सबसे बड़ी वाली रीडिंग माइनस सबसे छोटी वाली रीडिंग टू पॉइंट सिक्स सेवन जीरो माइनस वन पॉइंट डबल जीरो इंटू कॉस्ट ऑफ टेन डिग्री प्लस सी की वैल्यू कितनी है वन पॉइंट फोर नाइन तो यहां से लेंथ आ जाएगी ये जो इनक्लाइंट लेंथ है दोस्तों ये इनक्लाइंट लेंथ आपकी आ जाएगी आ, तो ये इंक्लाइंट लेंथ आपके 165.135 आ जाएगी 165.135 मीटर आपकी ये आ गई इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये इंक्लाइंट लेंथ आ गई अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ एक और ट्राइंगल यूज करता हूँ अब बहुत ध्यान से देखिए इसका इंक का कलर क्या करता हूँ दोस्तों ब्लू कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल लीजिए ये ट्राइंगल लिया आपने ये ट्राइंगल यहाँ से और ये इसका हाईपट हो गया इसका जो एंगल है कितना है टेन डिग्री आपका इसका एंगल है तो आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं यही डिस्टेंस क्या है यहां से लेके यहां तक यह डिस्टेंस क्या है डी ठीक है तो डी डिस्टेंस कितना हो जाएगा एल कॉस टेन डिग्री हो जाएगा तो डिस्टेंस ऑफ तो ये आपने निकाल लिया डिस्टेंस ऑफ स्टाफ फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट तो यहां से जो d की वैल्यू है कितना हो जाएगा l cos 10 डिग्री हो जाएगा l की वैल्यू कितनी है 165.135 है 165.135 इनटू कोस ऑफ़ 10 डिग्रीज़ तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो लेंथ है ये आपकी कितनी आ जाएगी 162.162.63 मीटर आ जाएगी तो 162 मीटर पे आपका स्टाफ है अब आपको आरएल ऑफ़ पॉइंट बी चाहिए आरएल ऑफ़ बी इज़ी क्वास टू आरएल ऑफ़ ए प्लस हाइट ऑफ़ इंस्ट्रूमेंट माइनस वी माइनस एस टू तो देखिए दोस्तों यहां पर माइनस वी क्या चीज है तो यहां पर मैं फिर से एक हाइलाइटर यूज कर लेता हूं बहुत ध्यान से देखिए यहां से लेके ये जो बीच तक की डिस्टेंस है ये ट्राइंगल आप देख रहे हैं यहां से ये क्योंकि ऊपर चला गया है वैसे ये ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके ये वाली ये ट्राइंगल है आपका ये कितना है एल साइन डिग्री ये आपका एल साइन टेन डिग्री है तो आपने क्या किया RL of point A, मैं आपने कर कर दिया तक तक आ गए आप 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 फिर फिर क्या क्या करोगे करोगे से दोगे हैं बहुत जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं दोस्तों और आर एल एफ पॉइंट बी अगर आपको निकालना है आर एल ऑफ पॉइंट बी आर एल एफ पॉइंट ए आर एल ऑफ पॉइंट ए

सो गाइज आई होप आज का सेशन आप लोग को बढ़िया लगा होगा अनअकेडमी पे बैचेस स्टार्ट हो गए हैं और गाइज अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो पहला काम आप जरूर करिएगा कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ए एस एम लाइव सर्च कर लीजिए या फिर अन अकेडमी सर्विंग सर्च कर लीजिए चैनल का नाम है अन अकेडमी सर्विंग और एड्रेस जो है वो है एएसएम लाइव तो आप कुछ भी सर्च कर लीजिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जरूर यार इसे ज्वाइन कर लीजिए जरूर 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 ज्वाइन कर लीजिए यार ठीक है क्योंकि जितना भी स्टडी मटीरियल है पीडीएफ है वो मैं इस टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो और कोई भी आपका जो मटेरियल है स्टडी मटेरियल वो भी आपसे मिस ना हो और आपको प्रॉपर तरीके से स्टडी मटेरियल मिल जाए तो सेशन अच्छा लगा हो तो यार अन अकेडमी ऐप पे भी आप मुझे डेडिकेशन दे सकते हैं और इस वीडियो को लाइक like कर सकते हैं थैंक यू सो मच गाइस नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे थैंक यू सो मच एवरी